नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर विभूति शर्मा संजीवनी होम्योपैथी रायपुर छत्तीसगढ़ से। जैसा कि आपको वीडियोस हमारे लगातार मिल रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से वीडियोस थोड़े से कम हैं। थोड़ी व्यस्तताओं के बाद हमने फिर से एक बार वीडियो की नई सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में मैं आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर करने वाला हूं, बहुत जरूरी वीडियो शेयर करने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधे काम की बात पे आते हैं। हम बात कर रहे हैं आज जिस मेडिसिन के लिए, जिस टॉपिक के लिए, वो है टॉपिक थायराइड पे। थायराइड जो कि बहुत कॉमन बीमारी है और थायराइड के लिए बहुत सारी डिटेल्स आपको नेट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। थायराइड में हाइपोथायरिज्म अलग, हाइपरथायरिज्म अलग। हाइपरथायरिज्म के मरीज तो बहुत कम है, लेकिन जितने मरीज हैं वो हाइपोथायरिज्म के हैं, मतलब TSH का लेवल आपका बढ़ा हुआ मिलता है। यदि आपने थायराइड प्रोफाइल कराया है तो T3, T4 और TSH तीन प्रकार के हार्मोन चेक होते हैं। मोस्टली TSH की वैल्यू बढ़ी हुई होती है, T3 T4 मिसमैनेज होता है या इम्बैलेंस्ड होता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जब बढ़ने लग जाए तो ग्लैंड की एक्टिविटी डल पड़ने लग जाती है और T3 और T4 हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे बॉडी की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, यानी उपापचयी क्रियाएं, वो कमजोर हो जाती हैं और इस कमजोर उपापचयी क्रिया के परिणाम स्वरूप आपकी बॉडी डल या स्लो होने लग जाती है। बॉडी में जितनी भी ऐसी प्रोसेसेस जो आपकी बॉडी को एक्टिव बनाती हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन के बारे में हो, चाहे कैल्शियम के लिए हो, चाहे आयरन के लिए मेटाबॉलिज्म हो, उपापचयी क्रियाओं का मतलब वो क्रियाएं जिसमें शरीर कुछ पदार्थों को, जिसको हम खाने के रूप में लेते हैं, उसको तोड़कर शरीर के लिए ऊर्जा बनाता है और उसको उस ऊर्जा को बनाकर ऊर्जा का उपयोग भी कराता है। हमारी कोशिकाएं इन उपयोग ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करती हैं, ATP के रूप में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और फिर हमारी बॉडी इसका उपयोग करती है। पर ये सारी प्रोसेस बॉडी के अलग अलग अंगों में कम हो जाती है थायराइड के केस में, और TSH के बढ़ने की वजह से पूरी बॉडी स्लो या डल पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम, मेरी लैंग्वेज में मैं इसे बोलता हूँ, आलसीपन की बीमारी। यानी बॉडी धीरे धीरे डल पड़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, थकान जल्दी होने लगी। सिर जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आपको थकान हो रही है, थोड़ा 100 कदम चल लिया, 50 कदम चल लिया तो थकान बढ़ गई। मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, महिलाओं में बाल झड़ रहे हैं, बॉडी में पेन होता है, जॉइंट पेन आने लगा है, स्किन में प्रॉब्लम, मुहासे, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो क्या करें? मैंने हर बार आपको एक मेडिसिन जरूर बताई है, उस मेडिसिन का नाम नोट करें। यदि आपको थायराइड की समस्या है, मेरा एक और वीडियो थायराइड पे बना हुआ है, उसे आप ध्यान से देखिएगा और उस पर थायराइड के सभी लक्षणों के साथ में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ज्यादा डिस्कशंस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मैं उस दवाई का नाम बता रहा हूं, उस मेडिसिन का नाम नोट करें और उसे रेगुलर करें। थायराइड के डोजेस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में लिख दिए जाएंगे। दवाई का नाम है, ये केवल एक मेडिसिन आपके बहुत काम की है, थायराइडिनम 3X होम्योपैथी का थायराइड हार्मोन है, जिसमें हार्मोन का कंटेंट बहुत कम मात्रा में होता है क्योंकि ये पोटेंटाइज मेडिसिन होती है। 3X पोटेंसी बहुत बेस्ट पोटेंसी है जो मैंने प्रैक्टिकल यूजेस में अपने की हुई है और इससे ऐसे सैकड़ों मरीज हैं जिनको फायदा मिला है। और ये थायराइडिनम 3X होम्योपैथी में लगभग सभी डॉक्टर्स यूज करते हैं। थायराइडिनम 3X एक गोली सुबह, यदि आपका थायराइड 5 से 6 के बीच में पहुंच चुका है, मतलब जस्ट अभी अप हुआ है, 10 तक यदि आपका थायराइड होता है TSH का वैल्यू, तो एक गोली सुबह एक गोली शाम के डोजेज में आप इसको रख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप इसके डोजेस को सेलेक्ट करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान या कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी यदि थायराइड की वजह से आपको मासिक धर्म में अनियमितताएं हो रही हैं तो दवाई है पल्सटिला 30 या पल्सटिला 200, दो दो बूंद सुबह शाम की मात्रा में इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि थायराइड की वजह से आपके बॉडी में या फेस में बहुत ज्यादा हेयर्स ग्रोथ हो रही है तो CPR 200 या CPR 30 मेडिसिन दो दो बूंद की मात्रा में सुबह शाम ले लीजिए। यदि गोलियों में मिलती है तो 4 गोली सुबह 4 गोली शाम, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ गोलियों में की जगह ड्रॉप्स में मेडिसिन लीजिए, डायरेक्टली आप टंग पे ले सकते हैं। ये मेडिसिन आपके लिए बहुत इफेक्टिव हैं,
स्पेशली थायराइडिनम 3X जो आप यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे और फोटो भी इसका लगा रहेगा, तो आप उस मेडिसिन को लीजिए। बहुत शॉर्ट में मैंने इस बात को आपको शेयर किया है और मैं हमेशा इस बात में शेयर करता हूँ कि हमेशा अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करें, अपने खाने का टाइमिंग और सोने का टाइमिंग थोड़ा निश्चित कर लें और एक स्पेसिफिक डाइट शेड्यूल को थोड़ा फॉलो करें, क्योंकि हमने देखा है पुराने जमाने में भी जो लोग डाइट शेड्यूल को की टाइमिंग पे ही खाना खा लेते थे तो भी एक लंबे अरसे तक उन्होंने बीमारी के बिना जीवन यापन किया है। 70 साल 75 साल के हमारे बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी जो रहे हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं है जितना आज की जनरेशन है। तो दवाइयां ज्यादा नहीं लेना है, कम से कम दवाइयां और ज्यादा से ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें, यही आज का संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पसंद आप कर रहे हैं, जिस तरह से आप लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं और जिस तरह से ये कम्युनिटी ग्रो कर रही है, आज हमारे 19,000 सब्सक्राइबर आप हम लोग सब एक साथ में जुड़ चुके हैं और हमारा जो परिवार है, अभी ये परिवार ना हो कि ये खानदान बन गया है, 19,000 लोगों का खानदान है। तो अब इस खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और एक अच्छी जीवन शैली जीते हैं थायरिडिनम 3X के साथ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।